ये आपकी वीडियो क्लास है फ्रॉम एवन स्टडीज़। रिक्वेस्ट है, अगर कोई टॉपिक वीडियो क्लास में समझ में नहीं आता है या कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाता है या कोई चीज़ जो पूरी तरह से समझ में नहीं आ पाई है तो तुम मुझसे बोर्ड क्लास में पूछ सकते हो। जब मैं बोर्ड पर पढ़ाता हूँ तब तुम मुझसे वो टॉपिक पूछ सकते हो क्लियरली, और वो टॉपिक मैं तुम्हें दोबारा से समझा सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थैंक। 12th क्लास अकाउंट, और इसमें स्टार्ट हो गया था CFS कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें से अब 8th क्वेश्चन हमें करना है। 7th तक तो हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करते हैं। और इसमें जो हमारा कैश फ्लो का पार्ट है वो अभी शुरू नहीं हुआ है, उससे पहले हम वाला प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं। नेट प्रॉफिट किस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं अभी हम? नेट प्रॉफिट के लिए। नेट प्रॉफिट हमें कौन सा वाला बनाना होता है? बिफोर। और क्वेश्चन में हमें कौन सा दे रखा होता है? ये बात अंडरस्टूड है कि क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दिया जाएगा वो आफ्टर होगा, और हमें उसे आफ्टर से क्या बनाना होता है? बिफोर। ठीक है, तो मैंने कुछ चीज़ें बता दी थी आफ्टर से बिफोर बनाने के लिए। एक तो प्रपोज्ड डिविडेंड हो गया, वो भी हम ऐड करते हैं। प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन हो गया, ये भी हम ऐड करते हैं। इंट्रीम डिविडेंड हो गया, वो भी हम ऐड करते हैं। ठीक है, मतलब जितना भी डिविडेंड वाला है, टैक्स वाला पार्ट है, वो हम ऐड कर देते हैं। और क्यों करते हैं उसके भी रीज़न मैंने फर्स्ट क्लास में बता दिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 8 रह गया था इस टॉपिक का। फिर क्वेश्चन नंबर 9 से तुम्हारा कैश फ्लो का टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 पहले कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 9 पर जाएंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट करते हैं। तो फॉर्मेट बड़ा सिंपल है, फॉर्मेट नहीं है कुछ, बस ये कि हेल्प के लिए हमने एक टेबल बना रखी है, कोई खास फॉर्मेट नहीं है। ठीक है, और पर्टिकुलर नेम भी नहीं है इस टेबल का, बस ये कि हमने हेल्प के लिए थोड़ी सी एक टेबल ड्रॉ कर रखी है रफली। हाँ, बीच में डाल सकते हो तुम पर्टिकुलर्स, और यहाँ पर डाल दिया करो अमाउंट। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। देखो 8th क्वेश्चन में ऊपर तो बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट में देखो अगर कहीं पे प्रॉफिट लिखा हुआ है तो वहाँ पे प्रॉफिट ले लेंगे, नहीं तो नीचे नोट्स टू अकाउंट्स लिखे हुए हैं। 8th क्वेश्चन में देखो नीचे नोट्स टू अकाउंट्स भी लिखे हुए हैं, अगर उसमें है प्रॉफिट तो वहाँ से देख लेंगे। तो देखो ऊपर तो प्रॉफिट दिखाई दे नहीं रहा है, नोट्स टू अकाउंट्स में है। नोट्स टू अकाउंट्स में देखो नंबर 1 में ही लिखा हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के तीसरे नंबर पे आओ, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देखो नीचे लिखा हुआ था सरप्लस में बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यही है हमारा नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट करंट ईयर का है कितना? 1,70,000। मतलब इस साल का नेट प्रॉफिट हमारा गैप के हिसाब से लेंगे, देखो जब शुरुआत करी थी तब 1 लाख थी, और करंट ईयर का कितना है? 1,70,000। यानी कि कितना बड़ा कुल मिलाकर, जब हमने इस साल की शुरुआत करी तब तो 1 लाख था, और इस साल ये बढ़ते बढ़ते कितना हो गया? 1,70,000। यानी कि इस साल का नेट प्रॉफिट कुल मिलाकर हुआ कितना? 70,000 हुआ ना। बस तो लिख दो इसमें, लिखना नेट प्रॉफिट माइनस करके दिखा सकते हो तुम, 1,70,000 में से 1 लाख माइनस करके ब्रैकेट में तुम शो कर सकते हो। तो यहाँ पे फाइनली पहुँचा दूँ 70,000। तो 70,000 का प्रॉफिट हमारा आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं, अगर कोई डिविडेंड वगैरह है वो भी ऐड हो जाएगा, अगर कोई टैक्स वगैरह है तो वो भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो डिविडेंड वगैरह नीचे तो दे नहीं रखे नोट्स टू अकाउंट में, ऊपर देखो अगर कुछ है तो देखो ऊपर ऊपर हैगा, ऊपर ढूंढो। देखो फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, जो ऊपर हमें बैलेंस शीट दी गई है उस बैलेंस शीट में देखो नंबर 1 हेडिंग डाला हुआ है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, और इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में फर्स्ट पॉइंट देखो शेयर होल्डर का फंड लिखा हुआ है, दूसरे पॉइंट में देखो करंट लाइबिलिटीज। अब जरा करंट लाइबिलिटीज को देखो, करंट लाइबिलिटीज में तुम्हें 3 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं ए बी सी। सी पॉइंट में देखो शॉर्ट टर्म प्रोविजन और प्रोविजन फॉर टैक्स, मैंने बताया था जो प्रोविजन फॉर टैक्स होता है उसको भी हम ऐड कर लेते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स को भी ऐड कर लेते हैं, लेकिन ये हम उठाते हैं करंट ईयर का, इसमें हम इस तरह से माइनस नहीं करते, ये तो हम वही ले लेते हैं जो इस साल का था करंट ईयर का। तो प्रोविजन फॉर टैक्स कितने कितना दे रखा है? 1 लाख, इसे ले लो, ये हमें ऐड करना है प्रोविजन फॉर
टैक्स। और कितने का था इस साल का, करंट ईयर का? 1 लाख। ब्रैकेट में लिखनी जरूरी है ये वाली बात कि हमने कौन सा लिया है, करंट ईयर। करंट ईयर का ही लेते हैं हमेशा। अब देख लो क्या कोई डिविडेंड वगैरह तो नहीं है, डिविडेंड वगैरह भी नहीं है। अब जरा नीचे देखो, जनरल रिजर्व दे रखा है। ध्यान रखना जनरल रिजर्व भी प्रॉफिट का ही पार्ट होता है। जनरल रिजर्व भी किसका पार्ट होता है, प्रॉफिट का। और ये हमें लेना होता है नेट। तो देखो शुरुआत करी थी जनरल रिजर्व की 4 लाख से, इस साल शुरुआत हुई है जनरल रिजर्व की। नीचे देखो नोट्स टू अकाउंट्स में लिखा हुआ है नंबर 1 पॉइंट में जनरल रिजर्व। तो देखो जनरल रिजर्व की शुरुआत हुई थी इस साल 4 लाख से, और बढ़ते बढ़ते ये कितना हो गया, 5 लाख। यानी कि बढ़ोतरी सिर्फ कितने की हुई, 1 लाख की। मतलब जो जनरल रिजर्व हमें लेना है वो केवल चेंज वाला लेते हैं। तो लिख दो जनरल रिजर्व, ब्रैकेट में लिख देना 5 लाख में से 4 लाख माइनस करके इस साल का जनरल रिजर्व बना कितना है, सिर्फ 1 लाख का। ये आ गया। अच्छा नीचे देखो, बिल्कुल एंड में लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। ध्यान रखना ये जो डेप्रिसिएशन होता है ना, जब कोई एसेट, तुम्हें मालूम है जब कोई एसेट हम लगातार इस्तेमाल करते हैं तो उससे डेप्रिसिएशन आता है। उस चीज का जब हम लगातार इस्तेमाल करते रहेंगे किसी भी एसेट को, तो पूरे साल भर क्या चलता रहेगा उस पर, डेप्रिसिएशन। और ये डेप्रिसिएशन का खर्चा कहाँ से पूरा किया जाता है, प्रोविजन से। और प्रोविजन कहाँ से बनाया जाता है, प्रॉफिट से। इसका मतलब ये हुआ कि ये डेप्रिसिएशन भी मैंने कहाँ से काटा होगा, प्रॉफिट से। जब इस साल ये पूरी साल डेप्रिसिएशन आया है 75,000 का, ठीक है, तो ये 75,000 रुपये कहाँ से काटे गए होंगे, प्रॉफिट से काटे होंगे। यानी कि ये प्रॉफिट का ही पार्ट था ना, तो प्रॉफिट में जाके ये जुड़ेगा। भाई जब एसेट पर डेप्रिसिएशन आता रहा पूरे साल भर, तो मैं कहाँ से काटता रहा इस डेप्रिसिएशन को, प्रॉफिट से। बेशक हम डेप्रिसिएशन को पूरा कर लेते हैं, एसेट पर जो खर्चा किया जाता है वो डेप्रिसिएशन से पूरा हो जाता है, लेकिन डेप्रिसिएशन का जो पैसा होता है वो भी हम कहाँ से इस्तेमाल करते हैं, प्रॉफिट से। ठीक है, तो ये प्रॉफिट का ही पार्ट होता है जितना डेप्रिसिएशन होता है। तो 75,000 वहां पे ऐड कर दो, ये हमारे प्रॉफिट का हिस्सा था। ये जो डेप्रिसिएशन माना जाएगा ये हमारे प्रॉफिट का हिस्सा था जो हमने प्रॉफिट से कट कर लिया था। तो प्रॉफिट में जाके जोड़ दो वापिस, 75,000 जुड़ गए। अब देख लो क्या कोई और चीज तो नहीं रह गई है, प्रपोज डिविडेंड वगैरह, इंट्रीम डिविडेंड वगैरह, कुछ और नहीं है। ठीक है, ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। ये तुम्हारा 2, 2 और 3, 3 लाख 7 और 7 14, 3,45,000 मेरे हिसाब से आ रहा है, 3,45,000। ठीक है, ये आ गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर। ध्यान रखना ये जो वर्ड है ना बिफोर, वो लिखना जरूरी है, लिख दिया करो, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन, बिफोर ये लिख दिया करो, ये जो वर्ड लिखा हुआ है बिफोर वर्किंग कैपिटल चार्जेस। बात वही पड़ जाती है, वर्किंग कैपिटल चार्जेस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, और क्वेश्चन नंबर 9 से हमारा आने लायक काम है। ये जो मैंने स्टार्टिंग के क्वेश्चन कराए हैं ऐसे नहीं आते, ये तो मैंने बस इसलिए सिखाए हैं क्योंकि कैश फ्लो में इनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एक दो चीजें तुम्हें याद हो गई होंगी, इंट्रीम डिविडेंड होता है वो भी हम ऐड करते हैं। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर पर कोई डिविडेंड होता है वो भी हम ऐड करते हैं, प्रपोज डिविडेंड होता है वो भी हम ऐड करते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स होता है वो भी ऐड करते हैं, जनरल रिजर्व होता है वो भी ऐड करते हैं। बस ये गिनी चुनी ही चीजें होती हैं, पांच छह, जो नेट प्रॉफिट के अंदर ऐड की जाती हैं, इनके अलावा ज्यादा कुछ नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अब ये तुम्हें याद हो गई होंगी कि हमें कौन कौन सी टर्म्स याद करनी है और जोड़नी है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 से हमारा कैश फ्लो का रियल पार्ट स्टार्ट हो जाता है। जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करते हैं, तुमने 11th क्लास में पढ़ा होगा, वहां पर फाइनल अकाउंट होता है। फाइनल अकाउंट का मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फाइनली बन जाती है बैलेंस शीट। ठीक है, तो पहले क्या हुआ था, जो पहले अकाउंटिंग के रूल होते थे सेक्शन के अकॉर्डिंग, जो लॉ बनाए गए हैं अकाउंटिंग के, उस लो में पहले इतनी सी बात होती थी। बैलेंस शीट तो खैर शुरू से ही चली आ रही है, किसी भी कंपनी के लिए मंडेटरी होता है कि बैलेंस शीट मेंटेन की जाए, बिना बैलेंस शीट के कंपनी वैलिड नहीं रहती, कंपनी को कभी भी रद्द किया जा सकता है। तो बैलेंस शीट तो स्टार्टिंग से ही चली आ रही है, सबसे जरूरी चीज है बैलेंस शीट। लेकिन इसके बाद जोड़ दिया गया था फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट के अंदर भी बैलेंस शीट मेंटेन की जाती है, फाइनल अकाउंट बना लिया जाता था।
लेकिन अब की रिक्वायरमेंट हो गई है, ये तुम्हारे ज्यादा पुरानी बात नहीं हुई है सीएफएस में, 8-10 साल हो गए इस बात को, जब से इसके अंदर एक टॉपिक और जोड़ दिया गया है कि कंपनी को एक चीज और मेंटेन करके रखना पड़ेगा, सीएफएस। ठीक है, मान लो अगर कोई कंपनी है, नई नई कंपनी खोली गई है, ठीक है, और वो कंपनी बैंक से लोन लेना चाहती है, तो लोन यूं ही थोड़ी ना दे देगी, उसे पहले भरोसा दिलाना पड़ेगा कि हम उसका लोन पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो वो हमारे रिकॉर्ड्स देखेगी, ठीक है, बैलेंस शीट चेक कर सकती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर सकती है, और इसके साथ साथ अब एक नई चीज और हो गई है, सीएफएस, कैश फ्लो स्टेटमेंट। मतलब एक कंपनी के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, एग्जैक्टली कहाँ पे जा रहा है, कौन सा पैसा कब आया, इस चीज का कंप्लीटली रिकॉर्ड कहाँ पर रखा जाता है, सीएफएस के अंदर। तो ध्यान रखना, जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करते हैं तो हम केवल तीन तरह की एक्टिविटीज पर ही ध्यान देंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ तीन तरह की एक्टिविटीज पर ही ध्यान दिया जाता है। एक तो वो जो बिजनेस को शुरू करने के लिए जरूरी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बिजनेस को शुरू करने के लिए जरूरी तो है ही, जब तक बिजनेस चलता रहता तब तक ये एक्टिविटीज होती रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ, मशीन तो खरीद ली, बताओ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है या ऑपरेटिंग एक्टिविटी है? ये मानी जाएगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। किसी एसेट को खरीदना इन्वेस्टमेंट होता है, ऑपरेट करना नहीं होता। ऑपरेट अभी नहीं करा, ऑपरेट तो तब करेंगे जब उसको इंस्टॉल करवा लिया जाएगा, और इंस्टॉलेशन पर जो खर्च आएगा ना, वो है तुम्हारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यूज कर लिया एसेट, तुम यूज करे जा रहे हो, मशीन का इस्तेमाल कर रहे हो, और पूरी साल भर उस पर क्या आ रहा है, डेप्रिसिएशन, ये है तुम्हारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। किसी एसेट पर डेप्रिसिएशन आना, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। किसी इन्वेस्टमेंट को खरीदना या बेचना, ये इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ठीक है। और पैसे से लेन देन, जैसे कि बैंकों से लोन ले लिया, बैंकों से लोन ले लिया, या कंपनी को क्या चाहिए, लोन चाहिए, पैसा चाहिए, तो वो अपने डिवेंचर भी इशू कर सकती है, ऐसी एक्टिविटी होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो पहली एक्टिविटी हो जाती है ऑपरेटिंग, फिर हो जाती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और फिर होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग मतलब किसी एसेट को खरीद कर उसका इस्तेमाल करना, एसेट को खरीदना इन्वेस्टमेंट, एसेट को इस्तेमाल करना ऑपरेटिंग, एसेट खरीदने के लिए पैसे लाना फाइनेंसिंग। समझ रहे हो ना, दो तीनों एक्टिविटी का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। एसेट खरीदने के लिए पैसा कैसे आएगा, दैट इज कॉल्ड फाइनेंसिंग, ठीक है। और जब तुमने उस एसेट को खरीद लिया, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। अब तुम उस एसेट को पूरी साल भर यूज करोगे, ऑपरेट करोगे, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और तीनों में किस चीज की जरूरत है, पैसा, ठीक है, बिना पैसे के कुछ नहीं होता है। तो कब इनफ्लो कब आउटफ्लो, तो ध्यान रखना इस पूरे क्वेश्चन के अंदर जो सीएफएस का क्वेश्चन है, इन तीनों एक्टिविटी को मिलाकर ये कंप्लीट रहता है 8 मार्क्स का, जिसमें से ऑपरेटिंग एक्टिविटी का सेपरेट क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ना तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का अलग से पूछते हैं, ना ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है 3 या 4 नंबर में सेपरेट। वैसे तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन रहता ही है, ठीक है, लेकिन बाई चांस ये आ जाता है 3 या 4 नंबर में। लेकिन ध्यान रखना, जिस साल ये 3-4 नंबर में आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला सेपरेट क्वेश्चन, उस साल कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं आएगी, फिर ये रिकॉर्ड है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के क्वेश्चंस भी करेंगे अलग से, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और वैसे भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी को निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब लेंथी है, मुश्किल तो नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा लेंथी है। फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो बहुत आसानी से निकल जाती है। तो शुरू करने से पहले क्वेश्चन नंबर 9, नोट्स उठा लो, नोट्स तुम लोगों के पास होने चाहिए, ठीक है। तो देखो, नोट्स में मैंने तुम्हें कंप्लीट फॉर्मेट आज दे रखा है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, और कैश फ्लो स्टेटमेंट में तुम्हें फॉर्मेट दिखाई दे रहा होगा, एक तरफ होता है पर्टिकुलर्स, एक तरफ तो क्या बता रखा है मैंने, पर्टिकुलर्स तुम्हें नोट्स के अंदर दिखाई देना चाहिए, और एक कॉलम है अमाउंट का। ध्यान रखना, बेसिकली दो कॉलम हमें बनाने पड़ते हैं, एक कॉलम तो एक्सटर्नल होता है, एक कॉलम तो यहाँ पर होता है फाइनल, और एक कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, अंदर ही एडजस्टमेंट करते रहेंगे, मतलब अंदर ही प्लस माइनस चलता रहेगा, और फाइनली उसे बाहर भेजेंगे, जैसे बुक्स में किया जाता है, अभी जब मैं बताऊंगा तब पता चल जाएगा। खैर, ये मुद्दा नहीं है कि क्या अमाउंट है क्या नहीं है, अभी तो हम टर्म्स देख लेते हैं कौन कौन सी टर्म्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आती है। क्योंकि
क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर काफी सारे क्वेश्चन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के हैं, सारे तो खैर नहीं करेंगे, जब तक फ्लो बन जाएगा तब तक करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैं इस नोट के अंदर तुम्हें ऑपरेटिंग एक्टिविटी के ही पार्ट समझा रहा हूँ, बाद में जब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करेंगे तब तुम्हें ये नोट फिर से लाना है और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के करेंगे, ठीक है। तो पहले तो कुछ क्वेश्चन सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी के हैं, फॉर्मेट को थोड़ा सा मैं ये नहीं कह रहा कि रट लेना या याद कर लेना, मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि इसको एक दो बार पढ़ लेना, अगर ये टर्म्स थोड़ा सा पढ़ लोगे तो क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। मैं कभी भी नोट्स नहीं देता अकाउंटिंग के अंदर, किसी भी फॉर्मेट के लिए कभी कोई नोट्स नहीं दिया, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर इतनी सारी टर्म्स हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है 8 नंबर का और टर्म्स इतनी सारी हैं, तो तुम्हें थोड़ा सा करना पड़ेगा नोट की हेल्प से, ठीक है, बिना नोट के काम नहीं चलेगा। तो देखो सबसे पहले ए पॉइंट में मैंने डाल रखा है स्टेटमेंट के अंदर, देखना जो फॉर्मेट मैंने तुम्हें दिया है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आने वाला कैश। अब जरा इसके अंदर देखो, ए पॉइंट में लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तुम्हें मालूम है ना बिफोर कैसे बनाया जाता है, मैंने बता दिया है तुम्हें नेट प्रॉफिट कैसे निकाल के लाना है, वो भी बिफोर टैक्स, ये तो मैं पहले से ही मैंने बता रखा है, ठीक है। बिफोर बनाने के लिए क्या क्या करते हैं, प्रॉफिट के अंदर प्रपोज डिविडेंड ऐड कर दो, इंट्रीम डिविडेंड ऐड कर दो, डेप्रिसिएशन ऐड कर दो, ये सब चीज ऐड करनी होती है, ठीक है। देखो जब एक बार नेट प्रॉफिट आ जाएगा उसके बाद देखो कि कौन कौन सी आइटम्स हमें ऐड करनी है, तो देखो आइटम्स टू बी एडेड ये दिखाई दे रहा होगा बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, आइटम्स टू बी एडेड। तो देखो डेप्रिसिएशन ये मैंने पहले ही बता दिया, डेप्रिसिएशन को भी हम क्या करेंगे ऐड, गुडविल पेटेंट एंड ट्रेडमार्क अमोर्टाइज्ड, अमोर्टाइज्ड का मतलब अंडरलाइन कर लो पहले तो, ठीक है, इसको हिंदी में तो बहुत टिपिकल वर्ड होता है प्रतिशोधन वगैरह, ठीक है, लेकिन उस टिपिकल वर्ड को रहने दो, एक सिंपल सी भाषा में समझ लो, मान लो इस साल की शुरुआत जब करी थी तब इस कंपनी की गुडविल थी 1 लाख, जब कंपनी की शुरुआत हुई तो गुडविल कितनी थी 1 लाख, और ये गुडविल इस साल कम हो गई 80,000 रह गई, ये जो वैल्यू कम हो जाती है ना किसी भी गुडविल की, जब वैल्यू कम हो जाती है, शुरुआत में थी 1 लाख और एंड में कितनी हो गई 80,000, जब गुडविल की वैल्यू कम हो जाती है इसे बोला जाता है अमोर्टाइज्ड। अमोर्टाइज्ड का मतलब होता है वैल्यू में कमी होना, वैल्यू में क्या होना, कमी होना, और ध्यान रखना ये भी प्रॉफिट से ही काटा जाता है, ये गुडविल में कमी होना ये भी कहाँ से काटा जाता है, प्रॉफिट से। तो तुम्हें दिख रहा होगा गुडविल हो या पेटेंट हो या ट्रेडमार्क हो, जब इनकी वैल्यू अमोर्टाइज्ड हो जाती है, कभी कभी इनकी वैल्यू बिल्कुल ही कम हो जाती है, जीरो रह जाती है, कभी कभी इनकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो, तो तुम्हें ध्यान रखना है उसको हम किस में डालते हैं, आइटम्स टू बी एडेड में, मतलब इन आइटम को क्या किया जाएगा ऐड। दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि माइनस करना चाहिए कि वैल्यू कम हो गई है, अब मैं बताता हूँ ऐड कर क्यों हो रही है, मैं इसका भी रीजन बताता हूँ, गुडविल से ही बताता हूँ, मान लो 1 लाख की गुडविल थी 80,000 की रह गई, 20,000 का लॉस हो गया ना, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि आउटफ्लो है, वाकई में ही आउटफ्लो ही है, आउटफ्लो ही है, क्योंकि एक तरीके से गुडविल को भी किसकी टर्म्स में मेजर करोगे, कैश की टर्म्स में, जब कोई नया बंदा आता है पार्टनरशिप में तो हम बदले में उससे गुडविल मांगते हैं, तो क्या वो गुडविल कोई चीज लेकर आता है या पैसा लेकर आता है, कैश लाता है ना, तो कंपनी के अंदर भी गुडविल को किस में मेजर किया जाता है, कैश के टर्म्स में। ये जो कमी हुई है ना, ये 20,000 रुपये का आउटफ्लो हुआ है, अब तुम सोच रहे हो आउटफ्लो हुआ है तो मैंने ऐड क्यों करवाया है, इनफ्लो को ऐड करना चाहिए, सही बात है इनफ्लो को ही ऐड करना चाहिए, लेकिन आउटफ्लो को क्यों ऐड करा है वो अब तुम देखो, मुझे बताओ जब 20,000 रुपये का आउटफ्लो हुआ होगा तो हम इसको कहाँ से कट करेंगे, तुम्हें ध्यान रखना है हम प्रॉफिट के लिए ही काम कर रहे हैं हर समय, मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी वही बात बोलूंगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी वही बात बोलूंगा, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी, कि कहाँ से कट करना है, प्रॉफिट से। मुझे बताओ जब 20,000 की कमी हुई होगी इस साल, 20,000 की जब कमी हुई होगी तो ये 20,000 मैंने कहाँ से कट कर दिए होंगे, कहाँ पे कमी हो गई होगी, मेरे मेरे कमी हो गई होगी नेट प्रॉफिट में, मतलब मेरा नेट प्रॉफिट क्या हो गया होगा, कम। तो बताओ एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए, अब एक्चुअल नेट प्रॉफिट निकालने के लिए जोड़ना पड़ेगा ना वापस, मुझे बताओ अगर तुम्हारा प्रॉफिट था 1 लाख का, पूरे साल भर में 1 लाख का प्रॉफिट था, और तुमने इसमें से ये 20,000 माइनस करके मुझे बताया वो प्रॉफिट 80,000, ये बस 20,000 तुमने पहले ही कट कर रखे थे, ये 20,000 रुपये की जो गुडविल की कमी हुई थी ये पहले से ही तुमने कम कर रखी थी,
टोटल प्रॉफिट में से, तब तुमने मुझे बताया कि भैया इस साल का नेट प्रॉफिट इतना है 80,000, और तुमने साथ में ये भी बताया कि ये गुडविल माइनस के करने के बाद है। अब मुझे बताओ, गुडविल माइनस करने के बाद 80,000 है, इसका मतलब एक्चुअल नेट प्रॉफिट था कितना? एक्चुअल नेट प्रॉफिट कितना था? 80 में 20 जोड़ दोगे ना, इसका मतलब जितने भी खर्चे हो रहे हैं, मैंने एक के लिए समझाया तो मैं सबके लिए अप्लाई करना है, जितने भी खर्चे हो रहे हैं सब लाके इसके अंदर हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो मुझे बताओ, जितने भी फायदे हैं, जितना भी प्रॉफिट हो रहा है वो क्या करेंगे इसके अंदर से? माइनस करेंगे। जितना भी खर्चा हो रहा है वो तो जोड़ देंगे, और जितना भी पैसा आने वाली चीजें हैं वो माइनस कर देंगे। तो देखो, आइटम्स टू बी एडेड में और टर्म्स पढ़ते हैं, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। मुझे बताओ, बैंक ओवरड्राफ्ट एक तरीके से लोन होता है, ठीक है? हमने बैंक से क्या ले लिया? लोन, बदले में उसको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। ये भी हमने कहां से कट करा होगा? प्रॉफिट से। ये भी हमने कहां से कट कर दिया होगा जल्दबाजी में? प्रॉफिट से। तो प्रॉफिट में जाकर इसको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है? आगे देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग वही हो गया शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये बिल्कुल डेप्रिसिएशन की तरह ही हो गया, पुरानी एसेट हमने कोई बेची होगी, ठीक है, तो लॉस। इंक्रीज इन प्रोविजन, अगर प्रोविजन में बढ़ोतरी हो रही है, डाउटफुल डेट के लिए अगर हमने कोई प्रोविजन बढ़ा रखा है और उसमें बढ़ोतरी हो रही है, तो वो भी यहाँ पर आके ऐड हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें मालूम है प्रोविजन भी कहाँ से बनाया जाता है? प्रॉफिट से ही बनाया जाता है, तो प्रॉफिट में जाके ये टर्म जोड़ेगी, ठीक है? आज की क्लास में देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इसलिए थोड़ा टाइम लगा रहा हूं, अगर एक बार समझ में आ जाएगा, अगर एक बार तुम्हें प्रॉफिट का पार्ट समझ में आ जाएगा, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ज्यादा कुछ नहीं है, वो तुम आसानी से कर सकोगे। तो ये मत सोचना कि ये क्लास वेस्ट हो रही है, अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी को ध्यान से करना है सेपरेट क्वेश्चन के लिए भी और सीएफएस के लिए भी, तो इन टर्म्स को थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है और समझना ज्यादा जरूरी है कि क्यों कर रहे हैं। अगर याद करने में भी भूल गए तो समझने वाली बात ध्यान रहेगी लंबे समय तक। अब मैं वो आइटम्स दिखा रहा हूँ जो आइटम्स टू बी डिडक्टेड है, मतलब ये आइटम्स तुम्हें क्या करनी है? माइनस। और वैसे भी तुम देख सकते हो, देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का यहाँ पर दिखाया गया है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का है सारा, लेकिन पीछे दो दो एक्टिविटी है, तो तुम देख सकते हो दो दो एक्टिविटी का मिलाकर इतना है और ऑपरेटिंग एक्टिविटी का अकेला इतना है, तो मेजर पार्ट किसके अंदर होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। बच्चे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अमाउंट में ही गड़बड़ कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर आइटम्स बहुत ज्यादा होती हैं, इतनी आइटम्स वहां पर नहीं होती इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में और फाइनेंशियल एक्टिविटी में, जितनी आइटम्स हमारी यहाँ पर होती हैं, ठीक है? तो नीचे बढ़ते हैं, आइटम्स टू बी डिडक्टेड, इसका मतलब ये कि कौन कौन सी आइटम हमें लेस करनी है। तो ध्यान रखना, ऊपर मैंने बताया था कि अगर हम कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, अगर हम कोई किसी को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, जैसे अगर हम लोन पर इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो मैंने बताया था ऊपर वाली आइटम में, उस लोन पर जो हमने इंटरेस्ट दिया है वो ऐड करेंगे। तो बताओ, जब हमें इंटरेस्ट मिलेगा तब हम क्या करेंगे? माइनस, है ना? अगर इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब इसमें तुम्हें स्टार्टिंग में क्या करना है, अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसे कम करो, और अगर हम इंटरेस्ट दे रहे हैं तो उसे अब ऐड कर लो। डिविडेंड इनकम, हमें डिविडेंड मिल भी सकता है, जरूरी थोड़ी ना है हम डिवेंचर होल्डर को डिविडेंड बांट रहे हैं, क्या पता हमने भी किसी के डिवेंचर ले रखे हों, हमें भी तो डिविडेंड मिल सकता है, एक कंपनी डिवेंचर होल्डर हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। रेंटल इनकम, रेंटल इनकम मिल रही है, मतलब किसी भी तरह का अगर कैश आ रहा है तो उसे माइनस कर दो। गेन ऑन सेल, जैसे वहां पे लॉस था। डिक्रीज इन प्रोविजन, प्रोविजन में कमी हो रही है तो लेस, ठीक है? तो यहाँ के इस करने के बाद तुम्हारा ये आ जाएगा कंप्लीट प्रॉफिट बिफोर, ठीक है? ऊपर जो तुम निकाल के लाते हो वो तो तुम्हें प्रॉफिट निकालना ही है, नेट प्रॉफिट तुम्हें निकाल के लाना है, जो सबसे पहले स्टेप में निकालते हो वो होता है नेट प्रॉफिट बिफोर। अब जो प्रॉफिट आएगा ये दो चीजें करने के बाद, आइटम्स टू बी एडेड और आइटम्स टू बी डिडक्टेड के बाद, अब जो प्रॉफिट आएगा वो होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये माना जाएगा बिफोर वर्किंग कैपिटल। ये भी कैसा होता है? बिफोर वर्किंग कैपिटल, ठीक है? अब देखो, अब तुम्हें एसेट का रिलेशन देखना है, ध्यान रखना, किसी भी एसेट में कमी होना या किसी भी एसेट में बढ़ोतरी होना। अब तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इनफ्लो और आउटफ्लो की बातें हो क्या रही थी। अभी जो मैंने चीजें पढ़ाई है वहां पर भी इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा था, लेकिन उनका रिलेशन कुछ और था, ठीक है? तुमने देखा था कि जब डेप्रिसिएशन लग रहा था तो डेप्रिसिएशन पे बेसिकली होता क्या है? आउटफ्लो होता है ना, और आउटफ्लो का मतलब है
हमें क्या करना चाहिए था, कैश को कम करना चाहिए था, लेकिन मैंने वहां पे जुड़वा दिया था, मैंने डेप्रिसिएशन के अमाउंट को जुड़वा रखा था, ठीक है। तो वहां पर आउटफ्लो इनफ्लो का टॉपिक अलग था, अब जो शुरू हो रहा है वो अलग है। देखो दो टॉपिक दिखाई दे रहे हैं, तो मैं आगे करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज, हाँ इसमें तुम्हें टेबल की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, ये मैं तुम्हें प्रॉपरली समझा देता हूँ, ठीक है। वैसे तो मैंने ऊपर वाली आइटम्स भी बता दी हैं, नीचे इनके लिए तुम्हें टेबल की भी जरूरत नहीं है। करंट एसेट, करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मैं करंट एसेट की बात कर रहा हूँ, मान लो मेरे स्टॉक में इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज इन स्टॉक, तो बताओ स्टॉक में इंक्रीज हुआ होगा, अगर स्टॉक में इंक्रीज हुआ है तो पहले तो ये बताओ ये एसेट करंट एसेट होती है या करंट लाइबिलिटी होती है। ये करंट एसेट होती है। अब मुझे बताओ अगर स्टॉक में इंक्रीज हुआ है, ठीक है, अगर मेरे पास स्टॉक में इंक्रीज हुआ है तो स्टॉक में इंक्रीज यूं तो होता नहीं है, पैसे खर्च करने के बाद स्टॉक बढ़ता है, ऐसे ही नहीं बढ़ जाता है। अगर तुम्हें रॉ मटेरियल का स्टॉक लाकर रखना है अपनी फैक्ट्री में तो हवा में नहीं आ जाएगा, तुम्हें क्या खर्च करना पड़ेगा, पैसा। तो बताओ कैश का आउटफ्लो हुआ या इनफ्लो हुआ, कैश का हमारे पास क्या हुआ, आउटफ्लो हुआ या इनफ्लो हुआ, बताओ। जब तुम्हारा स्टॉक बढ़ा है तो स्टॉक तो तभी बढ़ा होगा ना जब तुमने पैसे खर्च करे होंगे, यानी कि कैश का क्या हुआ है, आउटफ्लो। तो ध्यान रखना जब भी कोई आउटफ्लो होगा तो आउटफ्लो का मतलब कैश कम हो रहा है ना, तब तुम्हें क्या कर देना है, माइनस। इसका मतलब अगर स्टॉक में इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब आउटफ्लो हो रहा है, तुम देख सकते हो इसमें भी ये लिखा हुआ है। देखो लेस वाला आइटम है, चलो इस वाले पार्ट को भी बाद में देख रहा, इंक्रीज इन स्टॉक का मतलब है आउटफ्लो, ठीक है। अब मुझे एक एक एग्जांपल और मैं देता हूँ, डेटर्स, डेटर्स भी जो होते हैं वो हमारे करंट एसेट होती है। पहले तो इस चीज को पहचानना बहुत जरूरी है कि कौन सी चीज करंट एसेट होती है और कौन सी चीज फिक्स एसेट होती है। डेटर्स भी हमारे करंट एसेट होते हैं, बढ़ते रहते हैं कम होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं कम होते रहते हैं। फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब क्या होती है, फिक्स्ड एसेट। ऐसा नहीं है कि बढ़ती नहीं है, लेकिन जब मर्जी थोड़ी ना बढ़ती है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, 2 साल 3 साल, वो बात अलग है। एमरजेंसी में बाई चांस 1 महीने बाद खराब हो जाए, 2 महीने बाद खराब हो जाए, वो चीज अलग हो जाती है। कंपनी ऐसी हर कोई मशीन नहीं खरीद लेती कि 1 महीने बाद या 2 महीने बाद ही खराब हो जाएगी। कंपनी अगर किसी एसेट पर पैसा लगाती है तो बड़े सोच समझ कर लगाती है, और उसी बंदे से, उन्हीं लोगों से डील करती है जो उनके वैसे होते हैं, सालों साल के डील करने वाले, नए नए लोगों से नहीं करती। तो फिक्स एसेट का मतलब जो लंबे समय तक चलती है वो होती है। डेटर्स का ऐसा कुछ नहीं है, डेटर्स तो बढ़ते रहते हैं कम होते रहते हैं, भाई धंधा कर रहे हैं तो धंधे में डेटर्स आएंगे और जाएंगे। अब मुझे बताओ डेटर में इंक्रीज हो गया है, मतलब मेरे डेटर बढ़ गए, मुझे जिनसे पैसा लेना है डेटर में बढ़ोतरी हुई है, तो बताओ करंट एसेट में बढ़ोतरी हुई है ना, फिर से इंक्रीज हुआ है एसेट का, तो फिर से हमारा क्या माना जाएगा, आउटफ्लो। और आउटफ्लो का मतलब है मैं फिर से क्या करूंगा, माइनस करूंगा, ठीक है। अब मैं एक आध लाइबिलिटी का बता देता हूँ, हाँ लाइबिलिटी देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ध्यान रखना करंट लाइबिलिटी। इसके लिए मैं शॉर्ट में तुम्हें लॉजिक बता देता हूँ, उससे तुम्हें थोड़ा सा ध्यान भी रहेगा, टेबल के अकॉर्डिंग ही। करंट एसेट, करंट लाइबिलिटीज, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। देखो जब करंट एसेट डिक्रीज होगी, नीचे की तरफ एरो, और जब करंट लाइबिलिटी बढ़ेगी, तब तुम्हें इन आइटम्स को क्या कर देना है। देखो करंट एसेट डिक्रीज होने का मतलब क्या है, करंट एसेट डिक्रीज होने का मतलब यही है ना, मान लो पहले डेटर थे 10,000, पहले तुम्हारे डेटर्स कितने थे, 10,000 जब शुरुआत करी थी इस साल, और अब डेटर रह गए तुम्हारे 7,000, अब सिर्फ कितने डेटर्स रह गए हैं तुम्हारे 7,000। इसका मतलब ये हुआ ना कि 3,000 लोगों से, 3,000 डेटर से तुमने पैसा ले लिया होगा, जो डेटर तुम्हारे पास 3,000 के थे वो तुम्हें पैसा दे गए, यही तो मतलब है।
हमारे डेटर्स क्या हो गए, कम। डेटर्स कम होने का यही तो मतलब होता है कि बाकी जो 3,000 वाले थे वो हमें पैसा दे गए होंगे। अब मुझे बाकी कितनों से लेने हैं अगली साल, 7,000 से ले, 7,000 रुपये लेने हैं। 3,000 रुपये मेरे पास आ चुके हैं, तो बताओ इनफ्लो हुआ है ना। देखो एसेट कम होने का मतलब क्या होता है, इनफ्लो। और ध्यान रखना, अगर कोई करंट लायबिलिटी बढ़ती है, करंट लायबिलिटी बढ़ने का मतलब भी क्या है, करंट लायबिलिटी बढ़ाने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मान लो सैलरी। बताओ लोगों को सैलरी देनी थी, लोगों को सैलरी देनी थी लेकिन अभी तक दी नहीं है, ये तो होता है आउटस्टैंडिंग का मतलब। आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि किसी कंपनी को कुछ पे करना था लेकिन अभी तक पे नहीं कराया। तो बताओ पैसा दिया तो है नहीं, आउटफ्लो तो नहीं हुआ। क्या कुछ आउटफ्लो हुआ, पैसा अभी तक तो दिया नहीं है, आउटफ्लो तो नहीं हुआ। आउटफ्लो नहीं हुआ है तो क्या हुआ है, इनफ्लो। अब तुम सोच रहे होंगे आउटफ्लो भी नहीं हुआ, इनफ्लो भी नहीं हुआ, इनफ्लो तो हुआ है। अगर 10,000 दे देते तो आउटफ्लो होता, ये दिया नहीं है, ये हमारे पास ही आ गया वापस, ये पैसा हमने दिया नहीं है, अभी देना था लेकिन दिया नहीं है, यही पैसा क्या हुआ हमारे पास वापस आ गया। तो आउटफ्लो तो नहीं हुआ लेकिन क्या हुआ है ऐसे में, इनफ्लो। मैं फिर से एग्जाम्पल दे देता हूँ, मान लो 15,000 सैलरी देनी थी हमें वर्कर को इस साल, जो अभी तक हमने नहीं दी है, ठीक है, देने वाले थे दी नहीं है। तो बताओ जाना था, पैसा गया तो है नहीं, वापस आ गया हमारा पैसा हमारे पास, तो पैसे का क्या हो गया एक तरीके से, इनफ्लो। अब ज्यादा डीपली सोचोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, जितने मैं लॉजिक बता रहा हूँ केवल उस हिसाब से सोचो। तो करंट लाइबिलिटी अगर बढ़ती है ये भी हमारा क्या होता है, इनफ्लो। तो ध्यान रखना अगर ये इनफ्लो है तो हम क्या कर देंगे, प्लस, कैश हमारे पास बढ़ा। अब तुम यहाँ पर अंदाजा लगा ही सकते हो, यहाँ पे उल्टे केस कर दो, करंट एसेट बढ़ रही है और करंट लायबिलिटी कम हो रही है, इसका मतलब ये हमारा क्या हो रहा है, आउटफ्लो। मैं फिर से वो एग्जांपल दूंगा करंट लायबिलिटी कम होने का, 10,000 लोगों के आउटस्टैंडिंग था, अब नहीं, हमने दे दिया आउटस्टैंडिंग, अब नहीं रहा, हमने आउटस्टैंडिंग का पार्ट उसे दे दिया, तो बताओ आउटफ्लो हो गया ना। और अगर आउटफ्लो है तो माइनस, इसे रजिस्टर के पेज पर लिख लो जरूर, क्योंकि टेबल में तो खैर दे ही रखा है लेकिन इस तरह से लॉजिकल फॉर्म में लिख लोगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो देखो अगर कोई करंट एसेट, इसका मतलब है डिक्रीज, अगर करंट एसेट डिक्रीज होगी तो भी प्लस करना है, करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो भी प्लस करना है, करंट एसेट इंक्रीज होगी तो माइनस करना है, और करंट लायबिलिटी कम होगी तो भी माइनस करना है। अब देखना ये कि कौन कौन से, हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी करंट होती है, एक दो तो मैंने बता ही दी है, जैसे कि तुम्हारा आउटस्टैंडिंग हो गया, डेटर्स हो गए, स्टॉक हो गए, स्टॉक के लिए तुम्हें एक नया वर्ड मिलेगा, इन्वेंट्रीज। अब जो मिलेगा इन्वेंट्रीज, वैसे तो उसमें भी आ चुका है इकोनॉमिक्स में, ठीक है, इन्वेंट्रीज का मतलब होता है स्टॉक, ठीक है। तो देखो ऐड आइटम्स और लेस आइटम्स, अब तुम देख सकते हो कौन कौन सी चीजें ऐड करनी है और कौन कौन सी चीजें लेस करनी है। पहले ऐड वाला पार्ट देखो, एसेट में कमी होगी, एसेट में कमी होगी तो इसका मतलब इनफ्लो हुआ है, देखो एसेट में कमी हो रही है तो इनफ्लो, और इनफ्लो होता है ऐड, इनफ्लो क्या हो जाता है ऐड। तो देखो ट्रेड रिसीवेबल, ये भी क्या होते हैं हमारे, करंट एसेट। बस तुम्हें ये पहचानना है कि करंट एसेट है या नहीं है, ठीक है, करंट एसेट है या नहीं है, बस वही पहचानने का खेल है ये, तो तुम हर को, ये तो हर कोई याद कर लेगा, ठीक है। करंट एसेट कम और लाइबिलिटी बढ़ने पर, डिक्रीज इन एक्रूड इनकम, ये भी हमारी क्या होती है, करंट। प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये तीन चार टर्म है तुम्हें क्वेश्चन के अंदर है ना, ज्यादातर यही टर्म्स देखने को मिलेगी, इसके अलावा कुछ खास टर्म्स नहीं होती, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह, एडवांस इनकम। तो इन टर्म्स को थोड़ा सा पढ़ लेना, एक एक दो दो मिनट की बातें, और लेस वाला पार्ट देख लेना, उसके बाद तुम्हें मालूम है सारा कुछ सॉल्व करने का, जो फाइनली आएगा लास्ट में एक हेडिंग डाल देना, बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या लिखा हुआ है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, इसका मतलब ये हुआ ऑपरेटिंग एक्टिविटी से ये कैश जनरेट हुआ है। और लास्ट में देखो इनकम टैक्स पेड, हमने इनकम टैक्स जितना दिया होगा वो तुम्हें यहाँ पर आकर क्या कर देना, माइनस। क्वेश्चन बताएगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। इनकम टैक्स जितना हमने पेड करा है ना, क्वेश्चन हमें बता देगा कि कितना पेड करा है। ध्यान रखना कभी कभी क्वेश्चन में ये भी लिखा होता है कि रिफंड कर दिया गया है, मान लो तुमने इस साल गवर्नमेंट को टैक्स दिया था 10 लाख का,
एक कंपनी ने गवर्नमेंट को कितने लाख का टैक्स दिया था? इस साल इनकम टैक्स 10 लाख का। तो 10 लाख में से कई बार क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, बिल्कुल उसी तरह से गवर्नमेंट कई बार कुछ टैक्स का पार्ट रिफंड कर देती है। तो बताओ, 10 लाख का तुमने प्रोविजन फॉर टैक्स दिया, 10 लाख का प्रोविजन फॉर टैक्स दिया और 2 लाख का गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, रिफंड। तो तुमने कुल मिलाकर दिया कितना, सिर्फ 8 लाख ही तो दिया भाई। 10 लाख का तुमने पहले टैक्स दिया था, 2 लाख का उसने रिफंड कर दिया, तो कुल मिलाकर तुमने पेड करा ही कितना, सिर्फ 8 लाख का ही तो करा। तो तुम्हें सिर्फ 8 लाख ही माइनस करने हैं यहाँ पर। तो देखो लिखा हुआ है नेट नेट ऑफ टैक्स रिफंड रिसीव, जितना रिफंड रिसीव हो गया उसके बाद। तो इसके पीछे इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इस नोट को लेकर आना है जब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब शुरू करते हैं फाइनेंस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन। और अब क्वेश्चन काफी आसान लगेगा, थोड़ा सा नोट निकाल लेना आज की क्लास में तो साइड में, और क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल। तो देखो डिटेल के अंदर तुम्हें ध्यान रखना है, पहले सबसे पहले टिक कर देना है कि कौन कौन सी इसमें से करंट एसेट है और कौन कौन सी करंट लाइबिलिटी है। जैसे मैंने फाइनल अकाउंट में सिखाया था टी करना, एस करना, ये सब, तो तुम्हें इसमें छोटा सा लिख लेना है। अभी तो खैर सारी की सारी इसमें क्या मिलेंगी, ऑपरेटिंग, लेकिन फिर भी मैं पहचानना सिखा रहा हूं। देखो अगर कोई टर्म पढ़कर तुम्हें ऐसा लगे कि वो करंट एसेट है तो उसमें छोटा सा लिखो सीए, और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो करंट लाइबिलिटी है तो उस पर लिखो सीएल। और कौन सी चीज क्या होती है अभी मैंने बता दिया है, और वैसे भी जब 5-6 क्वेश्चन कर लेंगे उसके बाद टर्म्स याद हो जाएंगी। देखो फर्स्ट पॉइंट है सरप्लस बैलेंसिंग स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस, ये तो हमारा प्रॉफिट का पार्ट है, ये नहीं होता कुछ भी। ट्रेड रिसीवेबल, बताओ रिसीव करते हैं ना, एसेट है ये, इसके आगे छोटा सा लिखो सीए। बुक के अंदर ट्रेड रिसीवेबल के आगे लिखो छोटा सा सीए, बाद में देख लेंगे कि बढ़ रहा है कम हो रहा है, ठीक है। देखो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये नहीं होता कुछ भी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कुछ नहीं होता है, ठीक है। इन्वेंट्रीज, ये हमारी करंट एसेट होती है, इस पर भी छोटा सा लिखो सी है, अभी अभी बताया था। स्टॉक, स्टॉक क्या होता है, हमारा करंट एसेट। आउटस्टैंडिंग रेंट, बताओ लाइबिलिटी होती है ना और करंट लाइबिलिटी होती है, टिक कर लो करंट लाइबिलिटी, छोटा सा लिखो सी एल, छोटा ही लिखना, ज्यादा खिचपिच ना हो जाए। गुडविल, हाँ गुडविल ध्यान रखना, यहां पर तो नहीं आता, ये स्टार्टिंग के पार्ट में आता है, तुम्हें याद होगा। ऑपरेट, अभी जरा टेबल को देखो, ऑपरेटिंग में मैंने ये लिखवाया था ना, आइटम्स टू बी एडेड, ऑपरेटिंग वाली टेबल के अंदर देखो आइटम्स टू बी एडेड स्टार्टिंग में लिखा हुआ था, तो वहां पे थी गुडविल। ना तो ये करंट एसेट में आएगी ना ही ये करंट लाइबिलिटी में आएगी, ठीक है, ये उधर आइटम्स टू बी एडेड में आता है। और प्रीपेड इंश्योरेंस, तो बताओ ये तो एसेट होती है, प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा क्या होता है, एसेट, और करंट होती है, तो लिखो करंट एसेट, क्योंकि इंश्योरेंस तो चलता रहता है, 1 साल बाद 2 साल बाद चलता ही रहेगा प्रीपेड इंश्योरेंस। और लास्ट है ट्रेड पेबल, तो देखो पेबल है ना ये ट्रेड रिसीवेबल होता है एसेट, तो ट्रेड पेबल क्या होती है, करंट लाइबिलिटी, तो इसके आगे लिखो छोटा सा सीएल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अब हम करेंगे और इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, थैंक यू।